है कहीं चलो देखते हैं हम लोग हम लोगों ने अभी रिसेंटली देखा है कि मैस लाइट कैसा होता है तो मैस लाइट का हमारा आउटपुट यहाँ पे है ठीक है अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं कुछ लाइट ऐसे हैं जो इसके सिवा भी वर्क कर रहे होते हैं जैसे क्रिएट पे गए और लाइट पे गए लाइट पे आके यहाँ पे मुझे कुछ यूज करना है जैसे मैंने कहा भाई मुझे पॉइंट लाइट यूज़ करना है ठीक है तो पॉइंट लाइट लिया मैंने पॉइंट लाइट लेके ये आर्नॉल में काम करता है कि नहीं पहले देखो ठीक है तो आर्नॉल में काम करने के लिए पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ सबसे पहले मुझे सेटिंग पे जाना है मैं मैंने जो सेटिंग कर रखा था हाई उसको मैं नॉर्मल करता हूँ टू या yeah, या yeah, इसे करो थ्री टैप टू एंड टू ठीक है नॉर्मल सेटिंग ओके उसके बाद मैंने ये मैश लाइट मैंने लगा रखा है इस मैश लाइट को मैं फिलहाल में तो एक क्लियर में डाल के अगर मैं ऑफ कर दूँ तो इस वर्किंग ऑन तो ये भी आपको देखने को मिलेगा ठीक है ये पॉइंट लाइट है पॉइंट लाइट को आपने यहाँ पे किया देन आप नीचे लेके आ रहे हो दिख रहे हैं आप अभी आप यहाँ पे नॉर्मल लैंड्रे करो नॉर्मल लैंड्रे में आपको कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ठीक है आपको आइडिया मिलेगा कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज करो कुछ दिख रहा है ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है ठीक है तो इसके इंटेंसिटिव हमें काम करना पड़ेगा ठीक है तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ मुझे यहाँ पे क्या चाहिए वट वी वॉन्ट हम लोग यहाँ पे चाहिए पॉइंट लाइट कंट्रोल ए एट्रीब्यूट ठीक है और इसके बाद तो मैंने यहाँ पे इंटेंसिटी कर दिया मैंने फाइव फाइव के बाद अगर मैं यहाँ पे रेंडर करता हूँ तो पॉइंट लाइट में क्या काम कर रहा है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मतलब आप सोचो कि जो एक लाइट की इंटेंसिटी है एक पे इतना काम करता है यहाँ पे फाइव पे इतना कम काम कर रहा है यहाँ पर मैंने कर दिया ट्वेंटी तो आपको इंटरेस्ट ही पता होना चाहिए कि इसके लिए अगर मैं कहूँ ओपन जैसे ऑन ऑल व्यू मैंने यहाँ पे क्लिक कर रखा है यहाँ पे तो आपको तो आइडिया मिल रहा होगा भाई यहाँ से अगर मैं थोड़ा तो सा मैं मैनेज कर रहा हूँ तो कैसे मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे ठीक है यहाँ मैंने कर दिया फिफ्टी इट तो ये आप आपको देख रहे हैं लाइट का इंपैक्ट आपके यहाँ पर आ रहा है यूजअली आप बाइ डिफॉल्ट अगर वन पे अगर रेंडर कर रहे हो जैसे मैंने कर दिया वन जैसे इसको अगर मैं नॉर्मली अगर मैंने यहाँ पर सिंपल सा मैंने कर दिया वन तो उतना नहीं पता चल रहा होता कई बार ऐसा लगता है वर्क कर कर भी रहा है कि नहीं और मैंने यहाँ पे कर दिया हंड्रेड तो यहाँ पे चीज़ों का मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे तो हम लोग को एक आइडिया मिल जाएगा भाई अगर यहाँ पे मुझे कोई भी काम करना है तो मैं चीज़ों को कैसे मैनेज करके दे सकता कर हूँ यहाँ पे तो पॉइंट लाइट के साथ आप चीज़ों को कैसे मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे ठीक है ये पार्ट आपका पास यहाँ पे है यहाँ से मैंने कर दिया कंट्रोल डी डुप्लीकेट काम कर रहा है ठीक है आप यहाँ पर रेंडर करके देखो रेंडर रेंडेड आपको यहाँ पर विजल होगा ठीक है अभी इसके साथ मैंने कुछ फीचर्स मैंने आपको पहले बता रखे हैं जैसे यहाँ पे लाइट है लाइट के साथ ये लाइट है लाइट के साथ आपको यहाँ पास शेडो मिलेगा यहाँ पे आपको मैंने ज, जैसे बताया कि स्टैंडर्ड लाइटिंग में आपका डेप्थ और शेडो यूज़ हो रहा होता है ठीक है यहाँ पे आपको रेटेस्ट आपको यूज़ करना पड़ता है ठीक है रेटेस का अगर आप पार्ट देखोगे तो रेटेसिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ, यहाँ पे ठीक है रेटेस्ट डेप्थ यहाँ पे विजुअल है तो आप यहाँ पे भी चीज़ों को कर मैनेज करोगे जैसे टोटल अगर टेन है तो ये एटलीस्ट फाइव एंड फाइव ऐसे करके आप मैनेज करोगे तो बेटर होगा यहाँ पे ठीक है आप शेडोज के आप थोड़ा तो सा मैनेज कर सकते हो भाई आपके इस टाइप से चीज़ों को फुलफिल करने वाले हो ओके okay. यहाँ पे अगर चीज़ों को देखा है तो बहुत बेटर वे में आप अगर आप देखते हो तो चीज़ों को कैसे दिखा सकते हैं आप ठीक है किस एंगल में दिखा सकते हैं जैसे मैंने ये लिया मैंने इसको ऊपर कर दिया ठीक है तो मेरे पास यहाँ पे किस टाइप से चीज़ें यहाँ पे विजुअल हो रही है यहाँ पे हुँ? तो पॉइंट लाइट का क्या क्या होगा आपको कहीं पर अगर मान लो सिंपल सा सपार्ट लाइट जो होती है स्प्रेड करेगी इक्वल स्प्रेड करेगी जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक और भी काम कर दिया मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया एंड कंट्रोल डी कर दिया डुप्लीकेट में यहाँ पर इसके पास लेके गया ठीक है फिलहाल मैं यहाँ पे मैं देता हूँ जैसे आर्नल इंटरव्यू ठीक है यहाँ देख रहे हो आप यहाँ पे ओके अभी यहाँ से जाकर मैंने इस पर क्या कर दिया इस लाइट को मैंने पकड़ा लाइट को पकड़ के मैंने यहाँ पे क्या कर दिया वाट वी वॉन्ट यहाँ से मैंने कर दिया जैसे ब्लोइज कर दिया यहाँ पे ठीक है और इसकी इंटेंसिटी में थोड़ा तो सा मैंने 500 जितना मैं करके दूँ तो यहाँ पर आपको थोड़ा तो आइडिया मिलना चाहिए कि भाई ये काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है ठीक है अगर मैं चूहू देखूँ यहाँ पर तो आप अपडेटेड देखोगे तो तो अच्छी दिख रहे होंगे आपके पास यहाँ पे तो यहाँ पे इंटेंसिटी जहाँ पे आप सोच नहीं रहे होगे वहाँ पे आपको उतना लेके जाना पड़ेगा आप जैसे होता है हम लोग जो मैं हम लोग डीके यूज़ करते हैं डीके में जगह गया हमें इतना इंटेंसिटी यूज़ करना पड़ता है वो यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर कुछ इम्पैक्ट तो और दिख रहा होगा यहाँ पर तो फिलहाल में जैसे ये जो लाइट है लाइट का इंपेक्ट लाइट की इंटेंसिटी एंड ऑल दिस थिंग आप यहाँ पे इस चीजों को मैनेज करना चाहो तो कर सकते हो आप यहाँ पे ठीक है आप यहाँ पे वन कर रहे हो टेन कर रहे हो कैसा इम्पैक्ट आपका यहाँ पे आ रहा है और कलर कैसा है वो भी आपको देखना है देखो पीछे देख रहे हैं लाइट का इंपैक्ट ठीक है सो जो टेन थाउजेंड मैंने इंपैक्ट दिया तो जाकर मुझे यहाँ पे विजुअल हो रहा है कोई आदमी सपने में भी नहीं सोच रहा होगा भाई टेन थाउजेंड भी हमें देना पड़ता है गॉट इट तो ये चीज़ों का आपको समझना है कि अगर आप लाइट के साथ अपले करो तो आप ऐसे भी चीज़ों को लेकर मैनेज करके दिखा सकते हो देख रहे आप ये पार्ट मुझे दिख रहा है अभी मुझे इसका सैडो आगे की तरफ देना है तो मैं साइडो ऑन करूंगा ठीक है साइडो नहीं देना है, तो मैं सैडो ऑफ भी कर सकता हूँ इट्स नॉट नेसेसरी कि सबका सैडो ऑन ही हो आप यहाँ पर अगर इसे ऑफ कर दोगे ठीक है तो भी आप यहाँ पे एक इम्पैक्ट दे सकते हो ठीक है दिख रहा है आपके शायद तो भी आपके शायद पर इसका इम्पैक्ट यहाँ पे आ रहा होगा इसके साथ अगर मैंने यहाँ पे देखो तो आप पास लाइट है लाइट का शेडो है आप किसका शेडो आप कहाँ पे यूज़ करना चाहते हो ये भी डिपेंड करेगा क्या ओके और हर एक के साथ चीज़ों को तो सा मैनेज करना तो मैनेज कर सकते हो ठीक अभी ओके यहाँ पे मैं हर एक के साथ मेरी चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ भाई मेरे पास यहाँ पे मैंने लाइट ले रखा है इसका मैंने शेडो भी देख रखा है यहाँ पे भाई इसका मैंने एड ऑन कर दिया इसके साथ तो मैं इन चीज़ों को भी मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे ठीक है इसके एक चीज़ और भी मिलेगा आपको आर्नल फीचर्स ये आर्नल फीचर्स, ये फीचर्स यह यहाँ पे कलर टेम्परेचर उसके जो लाइट का जो पार्ट है ना जैसे हमने किया जैसे अभी को यहाँ पे मैंने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई है ना अभी जो मैंने लाइट यहाँ पे लगा रखा है इसे मैंने कर दिया लाइक नॉर्मलाइज कर दिया यहाँ पे तो नॉर्मलाइज करते आपके यहाँ पे क्या मिलेगा देखो देखना पे एक दूसरा लाइट का इम्पैक्ट आपके यहाँ पे देखने को मिलेगा आपके यहाँ पे तो आप इसको मैनेज कर सकते हो ठीक है आपका एक्सपोज़र है ठीक है आपके पास नॉमलाइज मैंने किया यहाँ पे नॉर्मलाइज के बाद आप कैसे मैनेज कर रहे हो तो ऑन करने के बाद और ऑफ़ करने के बाद आपके पास आइडिया मिलेगा कि कैसे काम करो ये नॉर्मलाइट का काम है ठीक है यहाँ पर ये मैंने सेव किया नॉर्मलाइज मैंने ऑन कर दिया तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है ऐसा ठीक है नॉर्मलाइज करने के बाद आपको यहाँ पे देखो हंड्रेड है है ना तो हंड्रेड के बाद ये कुछ और बढ़ाने से काम करेगा तो मैं यहाँ पे ऐसे भी ट्राई करके देखता हूँ भाई कुछ बढ़ा के देखता हूँ मुझे कुछ अच्छा मिल रहा है कि नहीं ठीक है या इसको मैंने वन कर दिया ठीक है आप इसको स्टडी करना पड़ेगा जब आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हो आप यहाँ पे ठीक है तो देखो नॉर्मलाइज में इसका बहुत बेटर इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है आपके यहाँ पे हाँ इसे ऑन करके करोगे तो शायद आपका इंपैक्ट यहाँ पे थोड़ा तो सा देखने को मिलेगा अगर मैंने इसे फाइव कर दिया तो ट तो ये आपको समझना पड़ेगा कि किस लाइट के साथ मैंने यहाँ पे क्या नॉर्मलाइज करना है कहाँ पर नॉर्मलाइज नहीं करना है किस टाइप से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला हूँ ठीक है ये आपको थोड़ा तो सा देखना पड़ेगा पीछे की तरफ अगर आपको इंपैक्ट देना है आप इम्पैक्ट दे सकते हो लाइट को कैसे मैनेज करना है मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पर ताकि आपको यहाँ पर आप एक आइडिया मिल जाए ठीक है इस तो ये आपका तो क्या था पॉइंट लाइट तो पॉइंट लाइट को आप ऐसे करके यूज़ करके दिखा सकते हो आप यहाँ पर